नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों। अ ट्रेन विथ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ ब्रिज इन 18 सेकेंड। अब ब्रिज को वो क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स टाइम विल बी इक्वल टू बच्चों होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन कवर हुआ होगा, ब्रिज भी कवर हुआ होगा 36 किलोमीटर पर आवर से 5/18 कर लिया, इक्वल टू 18 सेकेंड में उसने क्रॉस किया है। ये है मीनिंग ऑफ दिस वन लाइन। तो बच्चों 18 टू जा, तो L प्लस B मैं अगर सोल्व करता हूँ तो 2 और 5, ये दिस इज 2 और ये 5 10, तो ये रहा 180 बच्चों। फर्स्ट थिंग, अनदर ट्रेन 90 मीटर शॉर्टर क्रॉस द सेम ब्रिज एट 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाई द सेकेंड ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। सेकेंड ट्रेन जो ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, ये चीज़ जो बच्चों हमने निकालनी है। तो दैट मीन्स कि टाइम विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे शॉर्टर गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, मीटर। अनदर ट्रेन 90 मीटर शॉर्टर क्रॉस द सेम ब्रिज, सेम ब्रिज को जो क्रॉस करती है, यानी शॉर्टर क्या है 90, मैं इसमें से माइनस कर लेता हूँ, प्लस मेरे पास बी रहेगा, डिवाइड बाई 27 की स्पीड रहेगी और टाइम जो मैंने निकालना है। तो ठीक है बच्चों, अब ये 5/18 मैं पहले ही कर लूँ इसको, तो ठीक है, टी विल बी इक्वल टू एल प्लस बी माइनस 90 डिवाइड बाई 27 इंटू 5/18। अब एल प्लस बी की वैल्यू 180 मैं यहाँ से सब्सिट्यूट कर देता हूँ, 180 माइनस 90 डिवाइड बाई 27 इंटू 5/18, दैट विल बिकम 90 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 27 इंटू 5। तो 9 से बच्चों ये 2 पे कैंसिल, 9 से ये 3 पे कैंसिल, 3 से ये 30 पे कैंसिल और 5 से बच्चों ये 6 पे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 12 सेकेंड्स। तो 12 सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा।